हम डेली डाइट लेते हैं, उसमें हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें डायबिटीज को समझने की आवश्यकता है। हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसको हम मेडिकल भाषा में हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। यूजुअली ये जो लेवल होता है, ये फास्टिंग रहने पे 110 के आसपास होना चाहिए, 70 से 110, और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 के आसपास होना चाहिए। इस रेंज को हम नॉर्मल मानते हैं। इससे ज्यादा अगर किसी का ग्लूकोज लेवल रैंडम चेक करने पे 200, 250, 300, 500 आता है, उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और अगर ये हाइपरग्लाइसीमिया प्रोलोंग लंबे समय तक रहता है, तो हम इसको डायबिटीज का जो है टर्म देते हैं। कभी भी ग्लूकोज का लेवल हाई होना, चाहे वो 500 लेवल भी है, कोई सिम्टम नहीं देता है शरीर में। सिम्टम्स और डायबिटीज ग्लूकोज के लेवल बढ़ने से कभी भी कोई शरीर में जो है कोई ऐसे दुष्परिणाम नहीं आते हैं। लेकिन अगर ये ग्लूकोज का लेवल लगातार 8-10 साल तक ऐसे ही अनकंट्रोल्ड शरीर में बढ़ता रहता है, तो ये हमारे शरीर के मेनली 5 अंगों को अफेक्ट करता है।